सीएम राहत कोष का उपयोग करने में उद्धव सरकार फेल, आरटीआई में हुआ खुलासा, 541 करोड़ की मदद निधि खर्च करने में नाकाम। एक कहानी है कि एक राजा ने संकट के समय जनता से धन की मदद मांगी। जनता ने दिल खोल कर दान दिया, राजकोष में निधि भी जमा हुई, लेकिन राजा इस राहत कोष का सदुपयोग करने में नाकाम रहा। जी हां, यह कहानी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की है, जिनकी अपील पर जनता ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार को 541 करोड़ का दान दिया, लेकिन तिकड़ी सरकार के महाराज बन बैठे उद्धव ठाकरे इसमें से मात्र 134 करोड़ ही खर्च कर पाए, जबकि जनता आज भी मुफ्त उपचार और प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी लूट के कारण बेहाल है। आरटीआई का यह खुलासा उद्धव सरकार की नियत और कार्यप्रणाली दोनों की पोल खोलता है। मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत चाललेली आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा आवाहन केलं तेव्हा लोकांनी त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री सहायता निधी जो कोविडसाठी एक वेगळा भरवण्यात आला होता 28 मार्च 2020 त्यामध्ये आजच्या तारखेला 541 कोटी रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत। जेव्हा माहितीचा अधिकाराचा वापर केला तेव्हा आम्हाला अशी माहिती देण्यात आली की त्यापैकी फक्त 132 कोटी रुपये हे मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून जे कोविडसाठी भरवण्यात आलं होतं ते खर्च करण्यात आलेले आहेत। म्हणजे संपूर्ण रकमेच्या फक्त 25% रक्कम ही कोविडसाठी खर्च करण्यात आलेली आहे। विशेष म्हणजे यामध्ये जे उत्तर प्रदेश आणि बिहार किंवा अन्य राज्यामध्ये ज्यांना आपण बाहेरगावी पाठवलं त्यांच्यावरती जवळपास 88 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत। बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामले में देश में अभी भी टॉप पर बना हुआ है, लेकिन राज्य सरकार है कि तमाम संसाधनों के बावजूद कोरोना से गंभीरता से निपटने की बजाय सुशांत सिंह सुसाइड केस और अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति में उलझी हुई है, जबकि जनता मुफ्त इलाज रोजी रोटी पाने के लिए बेताब है। इलाज के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट चल रही है, औषधियों की कालाबाजारी चल रही है, लेकिन कार्रवाई की बजाय सरकार की ओर से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, जबकि जनता इसका खामियाजा भुगतने को मजबूर है। सवाल यह है कि जब दान का पैसा उपयोग नहीं हो रहा तो फिर उसे जनता को वापस क्यों नहीं भेज देना चाहिए। आमची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एवढीच विनंती आहे की आपण जे पैसे जमा झालेले आहेत त्याचा 100% वापर करावा। महानगरपालिकेचे रुग्णालय असून देत, सरकारी रुग्णालय असून देत, तिथे ते अत्यावश्यक सेवा आहेत किंवा जी विविध त्यांना उपकरणाची आवश्यकता आहे त्यासाठी हा पैसा रिलीज करण्यात यावा। कारण आजच्या घडीला मुंबई महापालिका असून देत, सरकारी रुग्णालय असून देत, त्यांच्याकडे जी विविध उपकरणांची जी कमतरता आहे त्यासाठी ते खाजगी लोकांकडून संस्थांकडून याचना करताना दिसत आहेत। तर हा जो पैसा आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये आजसुद्धा निधीमध्ये जमा आहे असाच पडून आहेत, त्याचा विनियोग 100% करण्यात यावा। फिलहाल 5 महीने से लॉकडाऊन है, जिसे जनता रोजी रोटी को बेहाल है, जबकि तिकड़ी सरकार के मंत्री है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है अंधी और बहरी बनी महाआघाड़ी सरकार नींद से जागेगी और लोगों की चिंता दूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।